नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनी सिंगल, वास्तु एक्सपर्ट। हम जब भी आते हैं अलग अलग विषय पे वास्तु के बारे में बात करते हैं, हर बार एक नया विषय लेते हैं, समस्या लेते हैं और फिर उसका सलूशन बताते हैं। आज भी हम एक नए विषय के साथ हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। आज का हमारा विषय है किचन। किचन के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले एक सवाल आता है कि किचन वास्तु के हिसाब से क्यों, किचन का क्या रोल है वास्तु के हिसाब से। तो दोस्तों, उसका एक साइंटिफिक रीजन है। अब धीरे धीरे ये तो हर एक इंसान को पता है कि साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए, क्योंकि साउथ ईस्ट होता है आपका फायर जोन। साउथ ईस्ट में किचन होने का रीजन खास ये है साइंटिफिकली कि सुबह जब सूर्य की किरणें उगती हैं और उसके बाद 12 से 12:30 बजे का जब टाइम होता है तो वो साउथ ईस्ट जोन में उस वक्त सूर्य होता है। किचन में हमारा पानी होता है, खाने पीने के सामान होता है, बहुत कुछ ऐसा होता है। अगर उस टाइप की वो जो किरणें होती हैं सूर्य की, वो किचन के लिए एकदम परफेक्ट होती हैं, जिससे कि हमारी सेहत अच्छी रहती है और हमारा खाना पीना अच्छा रहता है और कभी भी वो खराब नहीं होता और हम बीमार नहीं होते। अब ये तो बात हुई परफेक्ट डायरेक्शन की कि जब घर में एक स्त्री खाना बनाती है पूरे प्यार से, जतन से, पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है तो पूरे परिवार की हेल्थ बहुत अच्छी रहती है और खुद की, उसकी खुद की भी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है और पूरा परिवार खुशहाल रहता है और प्रॉब्लम, समस्या और बीमारी से दूर रहता है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आज वही हम बात करें फ्लैट सिस्टम की, तो ऐसे में अगर हमें नहीं मिलती जगह साउथ ईस्ट में किचन बनाने की तो उस वक्त हम क्या करें, इस समस्या का सोल्यूशन कैसे ढूंढे। यहाँ पर भी हम बात करेंगे रेमेडियों की, अलग अलग दिशाओं की, किचन होने से क्या क्या होता है और हम उसको कैसे हील कर सकते हैं। मान लीजिए, क्योंकि वैसे तो साउथ ईस्ट की किचन की अगर हम बात करें, जब भी हम किसी भी घर का वास्तु करते हैं वहां सब में से ज्यादा दो चीजें इम्पोर्टेंट होती हैं। एक तो उस घर का मेन डोर, दूसरा होता है किचन। किचन अगर आपका वास्तु के हिसाब से परफेक्ट है तो काफी सोल्यूशन तो आपका वैसे ही हो जाता है, क्योंकि जब किचन परफेक्ट है, खाना पीना परफेक्ट है, आपकी हेल्थ परफेक्ट है तो जिंदगी वैसे ही परफेक्शन की तरफ जाती है। मान लीजिए अब साउथ ईस्ट की जगह नॉर्थ ईस्ट में किचन होती है, नॉर्थ ईस्ट में किचन का होना अपने आप में बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है, समस्याओं को जन्म देता है। आपके फाइनेंशियली प्रॉब्लम होते हैं, बीमारियां होती हैं, लॉसेस होते हैं, बहुत सारी समस्या पैदा हो जाती हैं। ऐसे में आपको करना क्या है कि अगर आपकी किचन नॉर्थ ईस्ट में आ रही है तो वहां पे आप लेमन येलो कलर यूज करेंगे, ठीक है। वहां पर भी आप सॉल्ट रखेंगे, जो मैंने पिछले एपिसोड में जैसे आपको बताया था, कांच का बाउल लेना है और उसमें सॉल्ट रखना है और लेमन कलर किचन में यूज करना है। इन केस अगर आप टाइल यूज कर रहे हैं तो लाइक लेमन कलर का कोई भी फैमिली का कलर आप लेके टाइल्स भी उसी कलर के आप यूज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं काफी हद तक आप उस किचन से जो नेगेटिविटी पैदा होगी उस पर कंट्रोल पा सकते हैं। इसी तरह से अगर आपका किचन साउथ वेस्ट में आ जाता है तो उसका रोल कुछ अलग तरह से हमारी जिंदगी में देखने को मिलेगा कि वहां पे भी हेल्थ से जुड़ी समस्याएं आएंगी, डिप्रेशन आएंगे और जो महिला है, जो घर की गृहिणी है, वो भी उस डायरेक्शन में जब खाना बनाती है तो कहीं ना कहीं उसकी कमर में और उसके पैरों में दर्द की समस्या देखने को मिलती है। साउथ वेस्ट का किचन अगर है तो उसका दरवाजा हमेशा आप ब्राउन कलर का करें और उसपे एक स्वस्तिक रोली से, हाथ से आपको एक स्वस्तिक बनाना है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो साउथ वेस्ट की किचन का जो नेगेटिविटी जमा होगा उस पे आप कंट्रोल पा सकते हैं। इसी तरह से अगर नॉर्थ वेस्ट में आपकी किचन है तो उसमें आपको व्हाइट कलर अपने किचन में करना चाहिए, व्हाइट टाइल्स, व्हाइट कलर्स, व्हाइट को ज्यादा जगह देनी चाहिए क्योंकि वो हमारी चंद्रमा की जगह होती है वहां। नहीं तो नॉर्थ वेस्ट में अगर किचन होगा तो वहां पे आपको इमोशनल समस्याएं, रिलेशनशिप की समस्याएं बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी और आप हमेशा अपसेट, परेशान और दुखी से और लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आओगे। तो इन छोटी छोटी चीजों को अगर हम ध्यान दें, क्योंकि यहाँ हमने कोई चीज तोड़ी नहीं है, किसी चीज को वहां से हटाया नहीं है, सिर्फ कलर के द्वारा उस एनर्जी को वहां पे बैलेंस किया गया है
और दोस्तों जो सॉल्ट रहता है, जो मैं बार बार सॉल्ट की बात करती हूँ, उसको आपको अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बना लेना चाहिए, क्योंकि वो किधर भी कैसी भी टाइप की नेगेटिविटी हो उसको तुरंत सोखने का काम करता है और हमको एक पॉजिटिव एनर्जी देता है। क्योंकि जो समुद्री नमक जिसको हम बोलते हैं, उसमें भी हम कई बार गलत कामें पैदा कर लेते हैं। सी सॉल्ट अलग होता है और रॉक सॉल्ट अलग होता है, तो हमको सी सॉल्ट यूज करना है। उसको अपनी डे टू डे की लाइफ का एक हिस्सा बनाइए, आपकी जिंदगी ज्यादा पॉजिटिविटी से भरी होगी, ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी आप अपनी जिंदगी में देख पाएंगे। किचन में बना हुआ खाना, एक अच्छी एनर्जी से बना हुआ खाना सारे परिवार को खुशहाल रखता है। जो गेस्ट आते हैं वो भी वहां से खुश होके जाते हैं। तो ऐसे ही जब हम छोटी छोटी चीजों को सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी प्रॉब्लम आने से पहले अगर हम उसका सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं और उसको अप्लाई करते हैं, तो 100% तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं 70-80% तक हम अपनी जिंदगी में चीजों में बदलाव कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं, सुधार सकते हैं और खुश रह सकते हैं और दूसरों को भी खुश रख सकते हैं किचन से। क्योंकि हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा जुड़ा होता है। बेसिकली हम बोलते हैं कि इंसान खाने के लिए कमाता है, उसी के लिए जीता है। खाना नहीं है तो कुछ नहीं है। एक अच्छा भोजन की व्यवस्था, एक इंसान, एक गरीब आदमी, सबसे पहले जिंदगी एक जरूरत होती है खाना, भोजन। क्योंकि अगर वो ही हमारी जिंदगी में नहीं है और वो भी अच्छा भोजन नहीं है, तो हम वैसे ही जिंदगी में बहुत सारी चीजों से परेशान रह सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात आज हमने की किचन की, कि सही डायरेक्शन तो सब बोलते हैं कि करना चाहिए, लेकिन अगर अब गलत डायरेक्शन मिली हमको, तो हमको उसको कैसे सुधारना है और समस्याओं को कैसे दूर करना है। मैं आशा करती हूँ कि आज की भी मेरी बताई हुई रेमेडी आपको पसंद आई होगी और आप कहीं ना कहीं जो आपकी समस्या है उसका सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे। फिर भी अगर आपकी कोई और बड़ी समस्या है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं और अपनी किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। इसी शुभकामना के साथ, इसी मंगल कामना के साथ अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।